हेलो दोस्तों, स्टडी कड़ा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनडीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं एसएम के लिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस टेस्ट का, और इससे पहले हम 7 सेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेंगे, देन हम 8 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है वो टाइमर के साथ स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे उसके आंसर्स लिखेंगे फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे पहले हम 7-8 सेट कर चुके हैं, ये 8वां सेट है, 7 सेट कर चुके हैं। जो नए बच्चे हैं पहले जाके विद्या सागर की प्लेलिस्ट चेक करें, उसके अंदर सारी जो कंटेंट है वो सोल्व है 14 तक, ठीक है। उसको जाके देखें पहले, सोल्व करें, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है, उसको देखें पहले, उसको प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट पर आएँ। अगर आप डायरेक्ट इस प्रैक्टिस सेट पर आएंगे तो आपका स्कोर इतना अच्छा आएगा नहीं और आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हो, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पहले 7 सेट की प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम काफ़ी लिखी है, शायद एक बंगाल टाइगर नाम के एक बंदे ने कमेंट किया है, तो पहले उसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं, देन उसके बाद में 8 सेट स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, तो भाई साहब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था हमसे फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट में तो यार कुछ भी नहीं था। फर्स्ट देखो यहाँ अगर ऐसा है ना तो उसके बिल्कुल सेम अपोजिट में ऐसा चला जाता है, बिल्कुल अपोजिट में सेम है, बिल्कुल उसके अपोजिट में सेम है, यहाँ भी सेम है अपोजिट में, लेकिन देखो यहाँ सेम नहीं है, ये ब्लैक है तो ये वाला पोर्शन ब्लैक होना चाहिए था ना कि ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ई। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड में भी कुछ इतना कुछ नहीं था। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एरो पे आपको ध्यान देना है, यहाँ दो एरो थे, यहाँ दो एरो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ एरो ही गायब हो गया एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट है फिफ्थ, फिफ्थ में देखो जो ऊपर और जो नीचे की जो फिगर है ना वो सेम चल रही है हर जगह सेम चल रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद पूछा था आंसर क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर पूछा था 7, ठीक है। देखो 7th में देखो क्या है, 7th थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7th को देखते के साथ ही कोई भी बंदा बोल सकता है कि आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हर फिगर के अंदर ना एक फिगर के अंदर दो फिगर हैं, एक फिगर के अंदर दो फिगर हैं, एक फिगर में दो फिगर हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसा था लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक के अंदर एक, लॉजिक तो यही था आंसर, यानी होना तो डी चाहिए था इस तरीके से तो देखे तो, लेकिन दूसरा लॉजिक क्या है कि जो तीनों जो फिगर है ना वो देखो डिफरेंट है, यहाँ ट्राइंगल है तो यहाँ स्क्वायर है सर्कल है, ठीक है, यहाँ सर्कल है पेंटागन है और ये अपना हो गया रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपना स्क्वायर हो गया तो ये ट्राइंगल हो गया, तो ये बाहर अब ये पता नहीं क्या ऑक्टागन बनाया हुआ है, ऑक्टागन ही बनाया हुआ शायद, ठीक है, ऑक्टागन हो गया, ये पेंटागन हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो तीनों फिगर डिफरेंट थी, लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर स्क्वायर है और ट्राइंगल है, तो ये लॉजिक लगा के आंसर हम इसका क्या है, बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11 के अंदर सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है, तो इसको अब आप खुद से करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर पूछा मुझसे 13, हाँ 13 पूछा था ना शायद, 13 पूछा था, 14 पूछा था। देखो 14 में तो देखो कुछ नहीं था बच्चों, 14 में क्या है, 14 में क्या है, सेम बेस के ऊपर जो भी फिगर है इसको देखो, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन के अंदर हम यही काउंट करते हैं कि अंदर दो है तो बाहर चार है, ठीक है भाई, अंदर तीन है तो यानी डबल का डिफरेंस चल रहा है, यानी तीन है तो छः है, या दो है तो यहाँ चार है, काउंट कर लोगे तो यहाँ एक, इस बार एक हो गया तो यहाँ दो हो गया, यहाँ दो है तो चार है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं पा रहा है, फिर क्या लॉजिक लगाएं। अब देखो एक बेस पे अगर अंदर की तरफ है ना तो दूसरे बेस पे बाहर की तरफ फिगर्स हैं, लेकिन 14 के ए आंसर में सेम फिगर पे अंदर बाहर की तरफ हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 14 का ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कौन सा पूछा था, 15, 15 में क्या था, 15 में देखो ये तीन ऐसे बने हुए हैं, यानी ऐसी फिगर बनी हुई है, उसके अंदर ऐसी है तो तीसरे वाले में ऐसी है, तो इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक पॉकेट यानी ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर अपोजिट इक्वल अपोजिट यानी ऐसा चल रहा है, जैसे कि इस तरीके से अपोजिट चल रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो एक ऐसा चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक फिगर ऐसी है जिसके अंदर ऐसा बन ही नहीं रहा है, डी क्वेश्चन डी आंसर ऐसा है जिसके अंदर देखो ऐसा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है, जो दो हैं वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, ये वाला
ये वाला बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। 16 में देखो तीन साइड के ऊपर ये सेमी सर्कल से बने हुए हैं, तीन साइड के ऊपर, यहाँ देखो तीन साइड पे, यहाँ देखो तीन साइड पे, हैं यहाँ देखो तीन साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेकिन डी ऑप्शन के अंदर तीन साइड पे नहीं बना हुआ बाहर की तरफ, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अंदर क्या है, एक ही सेमी सर्कल आ रहा था लेकिन इसमें दो सेमी सर्कल है, ठीक। 17 का देखो, 17 का क्या है, काफी ध्यान से देखोगे ना तभी आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि 17 का एक क्यों है, क्योंकि जो ऊपर नीचे की जो फिगर थी ना वो सेम थी, लेकिन 17 के में पता है क्या बना हुआ है, ये अगर लाइन अगर आप खींचेंगे तो इस तरफ वाली जो लाइन वो तो ऐसी है और यहाँ वाली लाइन ऐसी है, ठीक है, और ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। 18 का आंसर, 18 का देखो दोनों तरफ इसको रोटेट करके भी कर सकते हैं, और एक लॉजिक ये भी है, देखो ये जो वो अंदर जो फलक बनी हुई है ना, ये पत्तियाँ जो बनी हुई हैं उसके अंदर ऐसे डार्क किया हुआ है, ठीक है, एक पत्ती में ऐसे अंदर की तरफ डार्क किया हुआ है, एक पत्ती में ऐसे दूसरी में देखोगे ध्यान से तो बाहर की तरफ किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये इसको ध्यान दो, बी ऑप्शन देखते हैं पहले, देखो बाहर की तरफ है, बाहर अंदर वाली जो पत्ती है उसके बाद में अंदर है, ठीक है, बाहर अंदर की पत्ती है, देन उसके बाद में, उसके बाद में अंदर वाली है, ठीक है, ऐसे ही इसमें डी में भी ऐसा है, और ई में आप देखोगे बाहर अंदर वाली क्या नाम है पत्ती है, देन उसके बाद में ये है, ठीक है, लेकिन ए में ऐसा नहीं है, ए में गड़बड़ है मामला, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस सीक्वेंस को आपको देखना है, ठीक है, या फिर एक काम करो इसको बी को ना अगर आप रोटेट कर देते हो, बी को अगर मैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा डी, डी मिल जाएगा अगर बी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, एंड देन अगर मैं सी को रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं सी को रोटेट कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ तो ई मिल जाएगा, लेकिन हमें ए कभी मिलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया 21 में ना ये सीक्वेंस देखो, ये डार्क वाला पोर्शन क्या एक ही उसमें चल रहा है क्या, इस पत्ती में इस तरफ है तो इस पत्ती में उस तरफ है, इस पत्ती में यानी सेम सेम होना चाहिए था, लेकिन देखो इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया, तो ये नहीं है क्या। इस तरीके से आपको इसको चेक करना है कि भाई जो जो पत्तियां बनी हुई है ना, ये जो पत्ती बनी हुई है ये डार्क वाला पोर्शन इस तरफ, फिर दूसरी पत्ती ऐसे अगर बनी हुई है तो ये डार्क वाला पोर्शन इस तरफ, ऐसे अगर सीक्वेंस सभी में सेम है ना तो वही आंसर होता है जनरली इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरीके से हम उसको चेक करते हैं। तो आप ध्यान से इसको करेंगे देखेंगे तो देखेंगे इसमें ही है जो सीक्वेंस बराबर है, बाकी हर किसी में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो 21 भी हो गया एंड 22 सिंपल एक मिरर इमेज बनी हुई है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज लगा देता हूँ, या मैंने मिरर कह रहा हूँ वाटर इमेज लगा देता हूँ, तो वो देखो ये सेम वैसा उसके नीचे बन रहा है, सेम उसके नीचे बन रहा है, देखें देखो, लेकिन ये गड़बड़ है मामला, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 25 इस तरह क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला है कि सभी फिगर के अंदर ना, सभी फिगर में देखो कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है और एक फिगर ऐसा रहेगा जिसके अंदर जो इन ये चीजें हैं उनके अंदर वो नहीं होगी, ठीक है, तो कौन सी चीज है ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो क्रॉस तीन में है, दो में नहीं है, तो इससे हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर 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 है हर जगह, ठीक है। सी 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 यहाँ भी ऐसी, लेकिन यहाँ ऐसा आ गया, आंसर क्या हो गया ई, ठीक है। तो जो फिगर जो यानी चीज सभी के अंदर है लेकिन एक में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमने जो प्रॉब्लम्स आपने कमेंट बॉक्स में की हुई थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब फटाफट से आप कॉपी पेन उठाएंगे एंड सभी के आंसर लिखेंगे। सेट नंबर 8 लगा देता हूँ मैं, सेट नंबर 8, और टाइमर पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, 10 मिनट का ही सेट कर रखा है ना, 8 का है, इसको मैं पहले एक बार चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप इतने अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, चलो टाइमर भी सेट हो चुका है। कॉपी पेन उठाने के बाद सभी आंसर सब लिखेंगे एंड लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, एंड अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो हमारे स्टडी गाइड वाला डिस्कशन वाला ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लीजिए। नहीं भी होता है तो कुछ एक बच्चे मैंने देखा था कल डिस्कस कर रहे थे, ग्रेडी किंग ने विवेक जी को रिप्लाई किया, तो इस तरीके से अगर वहीं पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक। एंड फिर भी अगर बच जाती है तो फिर अपने पास आई हम मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ, टाइमर।
ठीक है दोस्तों, तो टाइम अप हो चुका है एंड आंसर्स आपको यहां से मिल जाएंगे। आंसर सभी के मैच कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर कितना रहेगा। एंड बच्चों के स्कोर अब अच्छा चल रहा है, 30+ तो चल ही रहा है, देखा मैंने 4-5 बच्चों का। एंड 2-3 बच्चे हैं जो थोड़े परेशान हैं, धीरे धीरे स्कोर उनका इम्प्रूव होने लगेगा, 25+ है उनका स्कोर भी। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और ऐसे ही कमेंट करते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में एंड सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कीजिए। ठीक है, और कल हमने एक स्ट्रेटजी की वीडियो डाली है, उसको फॉलो करें, इस रूटीन को कम से कम एग्जाम तक फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर पक्का ही इम्प्रूव होने वाला है। जिन बच्चों का कम है, सबको मुझे पता है सिलेक्टिव अटेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, आज हम शॉर्टेस्ट रूट की एक टेस्ट की वीडियो लाएंगे एंड सिलेक्टिव अटेंशन की एक लाएंगे, तो 2 वीडियो और आएंगी और उसके अलावा देखते हैं और कुछ ला सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गाइड। थैंक यू दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जो भी चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, ख्याल रखें अपना एंड खाने पीने का खास ख्याल रखें, एग्जाम पास आ रहा है अपना, ठीक है, हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, बाय बाय।